जिंदगी एक जंग है, जिंदगी में एक मंजिल चुनना जरूरी है। जुनून के साथ दौड़ो। कौन कौन सी वजह से मूवी को इतना हाइप मिल रहा है, कौन सा पार्ट कहानी को आगे ले जाएगा? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्रास स्टूडियो। आज आपके लिए लेकर आई हूँ RRR मूवी से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा दर्शकों। बाहुबली सीरीज के बाद SS राजामौली ने RRR नाम की मूवी बनाई है। मूवी बनकर तैयार है, रिलीज का इंतजार कर रही है। पंजाबिक ड्राइव तो पिक्चर आए, ये मूवी तमाम वजहों से चर्चा में बनी हुई है। सबसे बड़ी वजह है खुद इसके डायरेक्टर राजामौली। राजामौली अब फिल्में नहीं इतिहास बनाते हैं। मूवी की चर्चा में होने की दूसरी वजह है इसकी स्टार कास्ट। राम चरण और NTR जूनियर साउथ इंडियन सिनेमा के सुपरस्टार्स हैं। उन्हें एक साथ ला पाना किसी और फिल्म मेकर के बस का नहीं। अगर साथ लाते भी तो उनके टैलेंट और स्टारडम के साथ न्याय होने की गारंटी नहीं रहती। तीसरी वजह है इस RRR का हिस्ट्री से कनेक्शन होना। यही चीज इस मूवी को लेकर सबसे ज्यादा बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। SS राजामौली बताते हैं कि उन्हें RRR को बनाने का आइडिया चे गवेरा की डायरी पर बनी मूवी दी मोटरसाइकिल डायरीज देखने के बाद आया। उन्हें अलूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम की कहानी पता थी, मगर जब उन्होंने रिसर्च शुरू किया तो उन्हें कुछ दिलचस्प बातें पता चली। सीताराम राजू और कोमाराम भीम तकरीबन एक ही राज्य में है, कुछ सालों के अंतराल पर पैदा हुए। दोनों कुछ सालों के लिए अपने गांव घर से गायब रहे, जब लौटे तो अपने ब्रिटिश राज के खिलाफ बंदूक उठा लिया, अपनी आखिरी सांस तक लड़े और फिर शहीद हो गए। मगर रियल लाइफ में ये दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिले। राजामौली अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उनकी क्रांति और विद्रोह की कहानी सबको पता है, मगर जब ये दोनों क्रांतिकारी कुछ समय के लिए घर से दूर रहे, उस दौरान इनके साथ क्या हुआ, इस बारे में कोई डिटेल या रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। राजामौली इसी ब्लाइंड स्पॉट को सिनेमाई चश्मे से दिखाना चाहते थे। क्या होता अगर इस वनवास के दौरान इन दोनों लोगों की दोस्ती हो जाती, ये लोग एक दूसरे को इंस्पायर करना शुरू कर देते। ये मूवी इसी फिक्शनल जोन को एक्सप्लोर करेगी। घर से दूर रहने के दौरान भीम और राजू के साथ क्या हुआ, इसकी रिलीज ना मिलना राजामौली के लिए मददगार रहा। अब वो इस कहानी को दिखाने के लिए कुछ भी क्रिएटिव रिपोर्टी ले सकते हैं और कोई हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ की बात भी नहीं कह सकता, क्योंकि किसी को नहीं पता कि उस दौरान क्या हुआ था। इसलिए RRR को रियल पर्सनालिटी से इंस्पायर्ड फिक्शनल मूवी कहा जा रहा है। वेल दर्शकों, आप सभी इस फिक्शनल स्टोरी को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? आप अपने ओपिनियन हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन झट से मिल जाए।